दोस्तों, अगर आप भी अश्विन और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट के मैच के चौथे दिन अश्विन की घातक गेंदबाजी और रोहित शर्मा की बेहतरीन कप्तानी देखने के बाद तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी टीम इंडिया के मुरीद हो गए और भारतीय टीम के साथ साथ रोहित शर्मा की कप्तानी और अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। तो आखिरकार पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज वसीम अकरम से लेकर मिसबाह उल हक, यहाँ तक की बेहतरीन ऑलराउंडर अफरीदी और वसीम अकरम, क्या कुछ दिग्गजों ने दिया बयान, कैसे उन्होंने भारतीय टीम को बता दिया दुनिया की नंबर वन टीम, ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस टेस्ट मैच में कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 396 रनों का विशाल ट्रायल स्कोर दिया था। इस पारी में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 209 रन ठोक दिए थे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम केवल 253 रनों पर बुमराह की घातक गेंदबाजी की बदौलत ऑल आउट हो गई। फिर टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 399 का विशाल टारगेट रखा है। इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने 104 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 14 ओवर में एक विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले तो भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, अपना विकेट गंवाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान होकर गेंद फेंकने के लिए अक्षर पटेल को थमाई, तब उन्होंने इस ओवर की पांचवी गेंद पर पहले रेहान अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर विकेट का खाता खोला और फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने मास्टर प्लान बनाकर अश्विन से गेंदबाजी करते हुए 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले ओलीपॉप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ओलीपॉप तेजी से रन बना रहे थे लेकिन 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और फिर उसके बाद अश्विन ने रुकने का नाम नहीं लिया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन ने जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रूट केवल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के चार बल्लेबाज बेहद जल्दी पवेलियन जा चुके थे लेकिन जैक क्रॉली मैदान पर टिके हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी। क्रॉली 73 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो फिर भारतीय गेंदबाज रुकने का नाम नहीं लिए। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी कर जॉनी बेरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद इंग्लैंड टीम लड़खड़ाती चली गई और भारतीय टीम ने एक के बाद एक कई विकेट निकालकर इस मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। भारत की खतरनाक गेंदबाजी और जीत देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान रह गए। वहीं रोहित की कैप्टेंसी देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और फिर दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों पर कसीदे पढ़ते हुए हर किसी को चौंका दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान में कहा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत की जीत और अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी पर बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया, मैं रोहित की कप्तानी देखकर बेहद हैरान हूं, मैंने उसके जैसा कप्तान नहीं देखा। वहीं अश्विन ने अपनी फिरकी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाकर उनकी कमर तोड़ दी। ऐसा करना किसी गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह से टीम इंडिया ने पहले हैदराबाद में मैच गंवाया और फिर दूसरा टेस्ट मैच बेहतरीन खेल दिखाकर टेस्ट मैच को जीता, वो एक अद्भुत कहानी से कम नहीं है। अश्विन की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। रोहित शर्मा ने कमाल की कप्तानी की। वहीं पाकिस्तान ने सबसे खतरनाक बल्लेबाज मिसबाह उल हक को भी बयान देते हुए भारत की जीत और अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी पर कहा कि टीम इंडिया ने लाजवाब प्रदर्शन दिखाया, बेहतरीन वापसी की, भारत के पास बेहद खतरनाक स्पिनर है जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया। अश्विन के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है मगर उनके जैसा गेंदबाज पूरे विश्व में कोई नहीं है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑल टाइम गेंदबाज वसीम अकरम ने भी बयान देते हुए कहा है कि भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई, अश्विन ने अपनी टीम के लिए जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखाया। वहीं कप्तान रोहित ने लाजवाब कप्तानी की और उन्होंने ओलीपॉप का बेहतरीन कैच पकड़ा। टीम इंडिया ने अद्भुत प्रदर्शन दिखाकर दूसरा टेस्ट मैच जीता और इंग्लैंड को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान भी भारत की जीत और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कसीदे पढ़ते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस टेस्ट मैच में कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।